और शिला महाराज जी की बहुत सारी जो हम लोग क्योंकि समय समय पर साथ में भी रहते थे महाराज जी के साथ, उन सारी बातों को उन्होंने जो है एक मन में उनका स्मरण करा दिया। उनका भी गिरिराज गोवर्धन सिंह यहाँ पर आने पर हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं कि वो यहाँ पर आए। श्रीपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जी, उनका भी मैं अपने हृदय से उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर उपस्थित हुए। और अभी हमारे श्रीपाद पद्मनाभ महाराज जी बहुत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का दायित्व लेकर के सब समय व्यस्त रहते हैं। उसी के बीच में फिर शिला महाराज जी के प्रति जो उन लोगों का श्रद्धा, क्योंकि ये सभी भक्त लोग ही हमारे श्रीपाद श्रीधर महाराज जी को बहुत पुराने समय से जानते, हम लोग उस समय मठ में भी नहीं आए थे और महाराज जी उनको समय समय पर निमंत्रण करके रूप गोस्वामी जी की तिथि के लिए और उत्सवों के लिए गुरुदेव उनको ही प्रेरित करते थे। श्रीपाद जो दामोदर महाराज जी वो भी बहुत समय से सेवा करते थे और विजय प्रभु हों श्रीपाद पद्मनाभ महाराज और श्रीपाद संजय प्रभु, श्रीपाद जीत प्रभु और बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर पुराने वाले भी हैं। हमारे विपिन प्रभु भी जब भी महाराज जी आते थे शुरू शुरू से वो सब समय के लिए कथा सुनने के लिए आते थे और महाराज जी के साथ में जो भक्त लोग आते थे उनको अपने घर के पास में ये सारी उनकी व्यवस्था करते। चंडीगढ़ से आज बहुत वर्षों के बाद में आज प्रातःकाल से बार बार मन में आ रहा था कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सुबह 6 बजे से क्यों नहीं प्रारंभ हुआ, हमने 10 बजे का समय क्यों दिया, हमने 10 बजे का समय देके भूल की। ऐसा पहले कभी भी मन में नहीं आता था। 10 बजे समय देते थे तो 11 बजे तक चलो आप कीर्तन करने बैठ जाओ, कुछ कुछ भक्त लोग आ गए हैं तो इसलिए कीर्तन करना शुरू करते हैं। किंतु आज जो चंडीगढ़ से हमारे जो श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जलंधर और चंडीगढ़ के जो भक्त लोग ये उन्हीं के संपर्क में वो रहते हैं, मेरे स्वभाव में वैसे वाला नहीं होने के कारण किसी को अधिक संपर्क में रख नहीं पाता हूँ, किंतु उन्होंने वो भक्तों को संपर्क में रखते और उनको जिस प्रकार से बुला करके लाए और कल से ही भक्त लोग 2-3 पुरानी पुरानी जो माता जी लोग रेखा माता और सोना चांदी माता इत्यादि ये लोग जब से मैंने महाराज जी को देखा तभी से देखता था ये लोग महाराज जी की बहुत सेवा करते हैं शुरू से उनके निष्ठापूर्वक ही। और भक्त लोग भी जलंधर से आए चंडीगढ़ से आए जो भक्त लोग इन सभी ने आज सुबह से मन में यही कराया कि ये लोग सभी प्रस्तुत हैं कि कब कीर्तन शुरू करें, कब कथा शुरू करें, कार्यक्रम क्यों नहीं प्रारंभ हो रहा। तो जैसा भी हो आज सभी भक्त लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं शिला महाराज जी की तिथि का पालन करने के लिए सभी के ही चरण कमलों में मैं सभी यहाँ पर जो भक्त लोग हैं मठ में उन सभी की तरफ से आप सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अभी समय मैं बहुत अधिक नहीं लेते हुए सिर्फ 1-2 मिनट लेकर के केवल प्रारंभ कर देता हूँ कि हमारे यदि यहाँ पर उपस्थित हमारे गुरु भ्रातागण आज्ञा दें तो श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी वो जो हैं हमारे यहाँ पर आज सब प्रकार से सब कुछ संभालने वाले हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता के रूप में यहाँ पर विराजित हैं और वही जिस जिस प्रकार से निर्देश करेंगे हम लोग आप संभालेंगे। मैं यदि थोड़ी देर जितनी देर आराम से बैठ सकूँगा बैठूँगा डेफिनेटली,
और आलू। फिर जैसा महाराज जी आदेश कर रहे हैं तो हमारे श्रीपाद संजय प्रभु जी वो सारा कुछ संभाल लेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा महाराज जी की जो कथा है उसी को प्रारंभ करते हैं। वो कहते थे कि ये तिथियां पालन करना हमारे लिए एक बहुत मंगलमय कार्य है। और भगवान की तिथि जो जन्माष्टमी इत्यादि होती है उससे भी इस तिथि का, वैष्णव की तिथि का पालन करना अत्यधिक मंगलदायक, इस प्रकार से बोलते थे। फिर बोलते थे कि भक्ति में हम लोग जब यदि अग्रसर होना चाहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, कि वैष्णवों का सेवा छोड़ करके वैष्णवों का गुणगान गाए बिना कौन वास्तविक रूप में भगवान की ओर अग्रसर हो पाता है, कोई भी नहीं। फिर वो कहते थे कि अशेष माया ते मन मगन होई लो, वैष्णव ते लेश मात्र रति ना जन्मी लो, कि यदि हम लोग वैष्णवों की वाणी का पुनः पुनः श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तब फिर हमारा चित्त जो अशेष माया है उसकी ओर जाना निर्धारित ही है, उससे हमारी कौन रक्षा कर सकता है। फिर कहते थे प्रतिष्ठाशा दृष्टा स्वापच रमणी में विधि नटे, कि प्रतिष्ठा जो है वो हमारे हृदय में सब समय चंडालिनी, कुकुर का मांस खाने वाली, वो हमारे हृदय में सब समय क्या करती है, नृत्य करती रहती है। उसको दूर करने का एकमात्र उपाय जो है वो क्या है, वो है प्रभु दैत सामंत मतुलम। कहाँ से प्रारंभ करता है इसी पंक्ति का, जैसा भी हो श्लोक प्रारंभ होता प्रतिष्ठाशा दृष्टा वाला, उसी में ही प्रभु दैत सामंत मतुलम, सदा स्वम सेवस्व प्रभु दैत सामंत मतुलम, प्रभु के जो अतुलनीय सेनापति अत्यधिक बलशाली जो सेनापति हैं उनका क्या करना, सदैव सेवा करना। किस प्रकार से सेवा करेंगे, कहते थे कि जब उनका महिमा देखना तुम्हारे को आ जाएगा तब तुम क्या कर सकोगे, उनका सेवा अपने आप से करोगे। तो इस प्रकार से अनेक समय अनेक बातें बतला करके आर किच्छु ना करीबा वैष्णवेर नाम लव, और कुछ नहीं भी कर सको तब भी वैष्णवों के नामों का उच्चारण करना, इस प्रकार से सब समय उत्साहित करते थे कि विशेष विशेष जो समस्त तिथियां गुरु वर्गों की उसका पालन करना। उसको कहते थे कि हम लोग क्या हैं, हम लोग हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी के वाहक मात्र। बिरला मंदिर दिल्ली में एक बार महाराज जी का जो कार्यक्रम था उससे पहले कुछ और भक्त लोग कथा बोल रहे थे और महाराज जी जा करके वहाँ पर विराजित हुए। कुछ समय प्रतीक्षा किया और उसके बाद में जब उनके पास में बोलने का समय आया, माइक जब दिया गया और वहाँ पर एक भक्त जो है वो कथा बोल रहे थे राम चरित्र के ऊपर, रामायण से, और जो कार्यक्रम का नाम दिया था वो था हरिनाम संकीर्तन। जब महाराज जी ने उनकी कथा सुनी बहुत देर तक, तब बाद में अपनी कथा बोलते हुए उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि हम लोग यहाँ जो कार्यक्रम जिसमें भाग लेने आए हैं ये है हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम, किंतु यहाँ पर आकर के मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यहाँ पर भगवान राम की जो कथा रामायण में से वही वाली सुनाई जा रही है। वो वाली कथा सुनाना तो कोई असुविधा का बात नहीं है, किंतु हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के वाहक मात्र हैं। हम लोग राम का तो कहना ही क्या, हम लोग भगवान कृष्ण की वाणी के भी वाहक मात्र वाहक नहीं है।
हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के वाहक मात्र हैं, और जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का, राधा जी का, ब्रज का, हरि नाम का, वैष्णव सेवा का, गुरु धारण करने का, जिस जिस प्रकार से उन्होंने सब आदर्श दिखलाया है, जिस दृष्टिकोण से उन्होंने दिखलाया कि कृष्ण कौन है, भागवत क्या है, सुखदेव गोस्वामी कौन है, व्यास जी कौन है, हम सारा का सारा कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण से देखते हैं और हम उसी का कीर्तन करने वाले हैं। हम लोग और किसी वस्तु का आदर नहीं करने वाले। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को उन्होंने दोहरा करके अपना जो एक बहुत जोर दे करके उन्होंने अपना जो परिचय दिया था वो यही वाला था कि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का ही पुनः पुनः कीर्तन, पुनः पुनः श्रवण, उसी का ही अनुशीलन, उसी का ही शरणागत हमारा यही एकमात्र परिचय है। इस प्रकार से बड़े जोर दे करके वहां पर बोला था। तब फिर कुछ कुछ और बातों को जिसमें उन्होंने सबसे पहले बतलाया कि हम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से इस जगत में आकर के हम लोगों को बतलाया, ऐश्वर्य ज्ञानेति सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। ये गौरांग महाप्रभु ने हम लोगों को कृष्ण की ये वाली बात जैसे उन्होंने बतलाई है, हम उसी प्रकार से उसी भावना के साथ में क्या करेंगे कि ऐश्वर्य जो ऐश्वर्य ज्ञान के साथ में जो भगवान की आराधना की जाती है उसका भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, ये जान करके हम लोग जैसा महाप्रभु ने कहा हम लोग वैसे वाला करेंगे। क्या ऐश्वर्य ज्ञानित सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। भगवान ऐश्वर्य के कारण जो भक्त के हृदय में भावना आती है अनुगत्य बिना, ऐश्वर्य पर भी कृष्ण का यदि कोई भजन करता है ऐश्वर्य भाव से, तब भी उसको ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। गोपी अनुगत्य बिना, गोपी के अनुगत्य के बिना नहीं प्राप्ति होती ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की। फिर उन्होंने व्याख्या करना प्रारंभ किया, गोपी किसको कहते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं कि यद्यपि हम लोग श्रवण करते करते पुनः पुनः मन में क्या भावना लेते हैं कि गोपी कहने से ब्रज की समस्त गोपियां किंतु आते हैं, उसी प्रकार से गोपी शब्द कहने से एकमात्र श्रीमती राधिका और जितने समस्त उनके जो उनकी सखियां हैं वो उसके अंतर्गत अपने आप से आ जाती हैं। तो इस प्रकार से कहते थे गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य। अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर वहां पर महाराज जी ने साधारण साधारण कुछ जो कहानियां, यद्यपि अलग अलग समय में महाराज जी ये सब कथाएं सुनाते थे किंतु एक साथ में कि किस प्रकार से हम लोग एक उदाहरण देते थे कि अभी हम लोग मनुष्य भी नहीं बने, हम लोगों का मनुष्य वाला शरीर है किंतु हम मनुष्य भी नहीं बने, एंडोकुलिस एंड लॉयन वाली कथा सुना करके क्या कहते थे कि एक एंडोकुलिस नाम के व्यक्ति ने शेर के पैर से केवल कांटा एक निकाल दिया था, उसी के कारण ही बाद में उस शेर ने भूखे होने पर भी बहुत अधिक और पिंजरे में एंडोकुलिस के डाले जाने पर भी उसने एंडोकुलिस को खाया नहीं। क्या देख करके कि इसने मेरी क्या की थी, सहायता की थी, कांटा निकाला था मेरे पैर से। कह रहे हैं कि कितना उसने किया था केवल कांटा निकालना, इस कारण से पशु तक भी समझता है और हम लोग क्या करते हैं मनुष्य होकर के भी, हमारे लिए कोई व्यक्ति कितना कुछ भी क्यों नहीं कर दे किंतु तब भी हम क्या करते हैं उसके प्रति कृतज्ञ नहीं, क्योंकि हम लोग पशु नहीं है, हम लोग मनुष्य पशु हैं।
मनुष्य पशु की स्थिति अनेक स्थानों पर महाराज जी कहते थे कि पशु से भी विपरीत दिखाई देती है। इसलिए हम लोगों को पहले क्या करना है, मनुष्य बनना है, तब फिर उसके बाद में फिर केवल एक स्त्री घर पे है, उस नौकर ने उस स्त्री को बांध दिया, चाबियां इत्यादि सारी लेके सोना चांदी निकाल लिया और फिर क्या किया उसने कि सारा लेकर के जब जाने लगा तब कुत्ता उसको छोड़ेगा नहीं, जाने नहीं देता बाहर बिल्कुल भी। लोग इकट्ठे हो गए, देख लिया ये चोर नौकर क्या कर रहा है और कैसे अंदर किसी को बांध करके रखा है, फिर उसको खोल दिया और चोर को पकड़ लिया। फिर आया न्यूज़पेपर इत्यादि में लिखा हुआ कि कुत्ता भी समझता है इस बात को कि मेरे पैसे से नहीं खिलाता था, ये मेरे को कुछ भी, मेरे को नहलाना धुलाना जो कुछ भी करता था केवल ये मालिक के कहने पर करता था पैसे लेकर के। इसलिए उसने मालिक के लिए क्या किया, अपने आप को समर्पित किया। इसके लिए समर्पित नरसे महाराज जी कहते थे कि जगत के लोगों के साथ में, घर के सदस्यों के साथ में जिनके साथ तुम्हारा देह का संबंध, उनके विषय में तुम्हें ये सब समझ आता है पहले कि मेरे भगवान ही सब कुछ हैं, वही मेरी रक्षा करने वाले, वही मेरे लिए सब कुछ करने वाले, यही नहीं समझ से करोगे और वो वाली बात जो महाप्रभु कहना चाहते वहां तक कैसे पहुंचोगे। फिर कहते थे ये सारी वस्तुएं एक एक करके अगर तुम लोग क्या करोगे, ध्यान से गुरु वैष्णवों की वाणी को श्रवण करोगे तो एक नहीं होगा, अनेक अनेक प्रकार की छोटी छोटी कहानियां सुना करके कि तुम्हारा कोई भी इस जगत में शत्रु नहीं है, तुम्हारा कोई भी मित्र नहीं है, जो सब दिखलाई देता वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। उसके लिए भीष्म पितामह जी के वचन गौतमी चित्रगुप्त ने लिखा है। तो इस प्रकार से अंत में कंक्लूजन क्या निकला, चित्रगुप्त कहता है इसने काटा था सांप को, इसलिए आज इसको सांप काट रहा है। तो कहते तुम लोग इतना भी समझ पाते हो अभी क्या, नहीं समझ पाते हो, अगर ये सारी बातें नहीं समझ पाते हो, किसी ने तुम्हारे लिए, तुम कोई भी चीज देख नहीं पाते, तुम्हारे को प्रसव पीड़ा होने लग जाती है एकदम से, और तुम कहते हो हम लोग भगवान का भजन करेंगे, ऐसे नहीं होता। अलग अलग प्रकार की छोटी 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 शिक्षाएं किंतु बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे करके कि बच्चे की तरह सुनने का अर्थ होता है उसका पालन करना। बच्चे ने सुना था बाद में बोलता कब आपने कहा, उसने मुंह से बोला भी था पी रहा हूं, कहते उसका बोलना भी बोलना नहीं था, पीना बोलना और सुनना भी सुनना नहीं था। तुम लोग क्या करना, ध्यान से अगर सुनोगे तब होगा। फिर बोलते थे चाय महाराज जी देते थे, अभी मैं यहीं पर ही क्योंकि केवल प्रारंभ करना था। आज हमारे जो महाराज जी की एक कुछ कथाओं को लेकर के पहले छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों के पास जाते थे, बाद में उसको विशुद्ध चैतन्य वाणी के नाम से छापा गया था और किंतु बहुत समय से वो उपलब्ध नहीं था ग्रंथ अंग्रेजी में। उसी में से अभी उसके कुछ चीजें हट गई क्योंकि दूसरे ग्रंथों में आ गई थी, नए ग्रंथ के रूप में विज्ञान सार उसको नाम देकर के प्रकाशित किया गया है। हमारी ज्येष्ठ गुरु बहन श्रीमती वैजयंती माला दीदी और शिला महाराज जी के आश्रित भक्त श्रीपाद अम्बरीश प्रभु, दबंग मंजरी दीदी और श्री नव किशोर प्रभु, इन लोगों ने सबने मिलकर के उसको प्रकाशित किया है और आज उन्हीं की तरफ से पुष्पांजलि के रूप में शिला महाराज जी को हम लोग वही निवेदन कर रहे हैं, सभी भक्त लोग मिल करके। यही कहकर के मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। सभी शिला महाराज जी मेरे प्रति प्रसन्न हो, मेरे अनेक अनेक प्रकार के जो असावधानियाँ और अपराध इत्यादि हैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, ये सारा मेरा जो दोष है अनेक प्रकार का दूर हो, यही मेरी उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है।
वंचाकल कतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सबसे पहले हमारे श्रीपाद भक्ति किंकर दामोदर महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो कुछ हम लोगों को कीर्तन श्रवण कराएंगे। अज्ञानमीरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पतितपावन परम करुणामय परमारब्ध तम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। समस्त सारस्वत गौड़ीय गुरुवर्ग वृंद के श्री चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा प्रार्थना। आज तो श्रील महाराज जी की आविर्भाव तिथि है। मैं पहले ही संजय प्रभु को बोला कि भैया मेरा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है इसलिए मुझे वो करना नहीं। अब सीधा प्रभु जी ने ही इसको प्रभु जी ने ही शुरू कर दिया। और अगर प्रभु जी का श्रवण करने के बाद किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी और को बोलना उतना बढ़िया लगता है जो हो। आज परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी का आविर्भाव तिथि है। हम हरिकथा से हरिकथा के अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मुझे दिखलाई देता है वो है आचरण। हरिकथा महाराज श्री का ग्रंथों में है और वैष्णवों के स्मरण में है सब है, लेकिन पूज्य महाराज श्री के जीवन के अंदर उनका संग रहकर उनका आचरण जो दर्शन करने को मिला वो समझता हूँ मैं वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब आप विचार करो बोलने वाले कई होते हैं बोल जाते हैं लेकिन आचरण में फेल हो जाते हैं। अब जब आचरण में फेल हो जाता है उसका इम्प्रेशन बड़ा भयंकर साधकों के ऊपर पड़ता है। कल रात ही हमारे कुछ बात माधवप्रिय प्रभु जी से जैसे वार्तालाप चल रहा था उसमें एक बात आया कि महाराज श्री का शिक्षा उपदेश उनकी ट्रेनिंग कह लो कुछ भी इस प्रकार से था, इस
प्रकार से था कि अब हरि कथा के अंदर जो गरिमा है वो समझ में आने लगता है। हरि कथा का जो गरिमा है वो समझ में आने लगता है, कौन क्या बोल रहा है। नहीं तो शब्द तो वही शास्त्र का है, लेकिन उन शब्दों के अंदर कितनी इंटेंसिटी है, जिसके चलते श्रवण करने वाला जो व्यक्ति है उसके जीवन में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो पूज्य महाराज श्री के चरित्र से सीखने को मिलता है। महाराज श्री जो बात जैसे हम सुनते आए वैष्णव सेवा को लेकर, जो महाराज श्री के बारे में हम सुनते आए देखने को मिला, महाराज जी के सामने आया था एक व्यक्ति मठ में, महाराज जी से ही सुना था, निकर पहन के आया था, महाराज बोलते थे मैं निकर पहन के नहीं, हमें तो धोती में ही आया था। आप कह रहे हैं लेकिन मठ में किसी ने नहीं देखा। वो कह रहे हैं इसीलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा भूल कई सारे हुए महाराज जी के चरणों में, लेकिन निकर वाला जरूर नहीं, वो कोई और। तो एक जो है ब्रह्मचारी वो 60s में आया था, महाराज जी ने कहा कि 1960s में आया और हमारे सामने ही लेके आए। आने के बाद मठ में रहा, भजन किया, जैसे जैसे समय बीता, वो कितना छोटा है एक तरह से उम्र में भी अवस्था में, लेकिन मैं जगन्नाथपुरी के अंदर देख रहा था एक दिन, महाराज जी ऐसे ही मंच पे बैठे हुए थे, ऐसे मंच पे बैठे, वहां पर वो जो ब्रह्मचारी है बाद में सन्यासी हुए वो भी वहां बैठे हुए थे, कथा कर रहे थे। महाराज जी ऐसे सपोर्ट लेके, जब मैं उनको सपोर्ट दिया था वहां से महाराज जी से आ रहे थे, अचानक अपने दलवस्त्र निकालते हैं और उस सन्यासी के आगे से ऐसे रख के आगे निकलने के बाद फिर गले में डाल लेते हैं। हमको हम आइडिया भी नहीं लगा सकते, वैष्णव सेवा की बात हो रहा है, वैष्णव को सम्मान करने की बात हो रहा है, मैं आचरण वाली पॉइंट को लेके चल रहा हूं, इतनी बारीकी से देखते हैं, हमको ध्यान भी नहीं आएगा। कारण क्या है, आगे से फोकस लाइट जो पड़ रहा है उससे उनका छाया पीछे पड़ रहा है। हमारा उत्तम छाया उल्लंघन करके कैसे जाएगा, उनका छाया जैसे भी लाइट से हमारा छाया पीछे पड़ता है, ऐसे ही वो बैठे हुए उनका छाया पीछे को पड़ता है, और महाराज जी छाया ना पड़े इसीलिए आगे गलवस्त्र रख के गलवस्त्र पे छाया पड़ रहा है, और उसके बाद महाराज जी क्रॉस करके आगे निकल गए। इतना मतलब बारीकी, और जो किया वो ऐसा भी नहीं है कि हमारे गुरुदेव हो या उनके गुरुवर्ग हो, तब तक तो महाराज जी का एक अलग अवस्था था, लेकिन फिर भी उनका दर्शन इसी प्रकार से देखने को मिला। दर्शन बड़ा ही अद्भुत है पूरी मठ के अंदर। महाराज जी ने कई बार ऐसे आश्चर्य में डाल दिया था पूरी मठ के अंदर। पूज्य महाराज श्री अपने कमरे के बाहर टहलते थे सुबह, और जब महाराज जी टहलते होते थे उस समय कई बार मेरा गुड नाइट हुआ होता था, मैं सो रहा हूं कमरे में, मैं कितना छोटा हूं, मैं तो शिष्य कहलाने लायक भी नहीं हूं, ऐसा मेरा अवस्था है, क्योंकि गंगा के तट पे जाके वो प्यासा ही लौट गया, मैं उनमें से, लेकिन साथ में था
जबकि महाराज जी का एक उनका ही कृपा है। ऐसा नहीं है कोई भी जाके महाराज को कह देगा मैं आपके साथ रह लूंगा और महाराज बोलेंगे कि आके रह जाओ। लेकिन मैं कलकत्ता में उनके पास जाके प्रणाम करके कहा था मैं अभी आपके साथ रहूंगा, महाराज बोलते हैं बहुत अच्छा। उसके बाद पूरी ने महाराज जी का और मेरा, महाराज जी का पादुका और मेरा चप्पल बिल्कुल एक जैसा ही है, एक ही जैसा लेके आए थे। मेरा कमरे के बाहर रखा था, महाराज जी का सेफ्टी के लिए अंदर रख के, महाराज बाहर टहल रहे चप्पल को देख रहे, बार बार चप्पल को देख रहे। वो कमरे में आते मुझे देखते, मैं सो रहा हूँ उठाते नहीं। कम से कम 10 चक्कर काटने के बाद जितना उनको टहलना था वहां आके खड़े होके ऐसे देख रहे। महाराज जो है भगवान विठल की तरह खड़े होते हैं ऐसे हाथ रख के हमेशा, है ना, दोनों कमर में हाथ रख के जैसे भगवान विठल खड़े रहते हैं ऐसे खड़े रहते हैं, खड़े होके ऐसे देख रहे हैं। महाराज जी अचानक नींद खुला झट से उठा मैं। महाराज मुस्कुरा के कहते हैं हे महात्मा अपना पादुका लाके अंदर रखो। हमको डर लग रहा था कि कहीं चोरी ना हो जाए। और साथ में क्या अभी तो हम सुरक्षित है वैष्णव का आश्रय में। महाराज बोलते हम स्वतंत्र होकर के कुछ कहेगा तो वैष्णव का आश्रय से अपने आप को दूर करने वाला हो जाएगा। वैष्णव के आश्रय में नहीं रहेगा तो माया पकड़ लेगा। एग्जैक्ट वर्ड्स में लेकिन 19-20 में यही शब्द मुझे महाराज जी, मतलब वो शब्द नहीं था लेकिन उनका वो व्यवहार उनका वो आचरण ऐसे तीर की तरह अंदर जा रहा था। इसीलिए मन में उनसे सीखी हुई हर वो बात वो अप्लाई करने के लिए हमेशा प्रेरणा मिलता है। ऐसा ही इट इज नॉट जस्ट हरिकल एप्लीकेशन एवं विशेषता। और क्या चाहिए एक साधक के जीवन में, ये सूत्र ही तो चाहिए। शास्त्र तो ग्रंथों में भी मिल जाते हैं लेकिन आचरण करके दिखाना। इतने उम्र के हो एक समय वो कह रहे थे एक विदेशी महात्मा आया आके मुझे कह रहे थे हम लोग अभी श्री भारती गोसाई महाराज को प्रमोट करते, बोलते ऐसा उनका चैनल बनाते प्रमोट करते ताकि वो पूरा विश्व उनके साथ जुड़ सकता है। ऐसे से मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है, शुरू से ही नहीं पसंद। प्रमोशन हम जैसों को चाहिए होता है, हम जैसे लोगों को प्रमोट करना पड़ता है नहीं तो कुत्ते भी पूछेंगे। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है उसके लिए क्या प्रमोट करना, वो खुद ही शुद्ध भक्ति को जो है एक एक के जीवन में डालने के लिए आए, भगवत प्रेम को देने के लिए। जैसे हमने अभी तक कलकत्ता में सुना महाराज श्री क्या बोलते, मैं उन्होंने ये बात मुझे कहा, मैंने आके महाराज जी को ये बात कहा
महाराज जी ये बोलते देखिए हमारे पास तो उनको लग रहा है कि हमारे पास जो है हमको कोई जानता नहीं आता नहीं। महाराज जी ने 1960 से गिनाना शुरू कर दिया था उस दिन। हमारा याददाश्त कमजोर है इसलिए नाम याद नहीं। महाराज ने बहुत सारे महात्माओं का नाम लेकर के बोला था। महाराज बोलते टाइम टू टाइम वो लोग सब अपना संग देने आते हैं, उनका शिष्य सब हमसे मिलने के लिए आते हैं। मीडिया आपको फैला है तो लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप डब लग रहा है, बट एक ना सुगंध जो होता है, इत्र जो होता है या सुगंध जो होता है उसकी जो महक है उसको कोई रोक नहीं सकता। पूज्य महाराज श्री का व्यक्तित्व इस प्रकार से है, लेकिन स्वयं को अपने आप को क्या मानते हैं? उन्होंने उस बात के ऊपर इस बात को बोला, लेकिन जब खुद के बारे में मानते हैं महाराज जी बोलते हैं हमारा तो कोई मूल्य ही नहीं है। उन्होंने इतनी क्लियर कर दिया हमारा तो क्या मूल्य, हमारा तो कोई मूल्य नहीं है। मैंने हाथ जोड़ के महाराज जी को बोला कि महाराज जी आपका सच में कोई मूल्य नहीं है, वो तो अमूल्य वस्तु का कोई मूल्यांकन कैसे कर सकता है, वो तो मूर्खता होता। लेकिन महाराज जिस भाव से बोले और महाराज श्री, एक समय की बात है, महाराज जी क्या करते हैं चंडीगढ़ मठ के अंदर कार्तिक व्रत शुरू हुआ था। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए शिक्षा है, सब मेरे जीवन को जो चीजों ने परिवर्तित किया वो मैं बता रहा हूं। महाराज जी का आशीर्वाद से उनके दिव्य हरिकथा को कम से कम 1000 से ज्यादा हरिकथाओं को ऐसे लाइव ट्रांसलेट करने का मौका मुझको मिला था। जब 2010 से लेके 2013 के बाद भी कभी कभी करता था, इससे बाद तेलुग आ गए थे। महाराज जी एक दिन भी बिना हरिकथा नहीं रहते थे, एक दिन भी नहीं रहते थे। एक अद्भुत चीज जो है, ऐसा नहीं हॉलीडे बोल करके उनके लाइफ में नहीं है, हरिकथा ही उनके लिए सब कुछ। तो जो हो चंडीगढ़ मठ के अंदर कार्तिक का समय था, मैं महाराज जी के साथ ही जाता था आता था, और उस समय एक ब्रह्मचारी मेरे पास आया बड़े प्यार से हंसते हुए और मुझे कहता है कि महाराज आज बोनी नहीं हुआ। मतलब है कि जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं परिक्रमा के अंदर, किसी भक्त के घर जाते प्रणामिया आते ऐसे ऐसे, अभी तो है वो ब्रह्मचारी उस दिन मेरे पास पहले दिन आके कह रहा था कि महाराज आज बोनी नहीं हुआ। मैं भी हंसते हुए जाके बाती को सही महाराज जी को बोल दिया। मालवे महाराज जी ने वन वर्ड में बोला, महाराज बोलते हैं उससे पूछो उसका कैपिटल क्या है। महाराज जी ने एक ही शब्द बोला, वो ऐसा नहीं है लंबा लंबा खींचो ऐसे काम नहीं होता, वन वर्ड उसका कैपिटल क्या है। ऐसा सच में सोचो तो एक भिक्षु का कैपिटल क्या है, महाराज जी बोलते हैं कि आप बोनी होने के लिए किसी चीज में आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, वहां पर आपने वहां क्या लगाया है कि आपको रिटर्न्स मिलेगा। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी विचार महाराज जी ने एक बार बोला था, महाराज जी मुझे बोलते हैं कि देखो
सब समझते हैं कि हम बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित है, सब समझते हैं। लेकिन महाराज जी क्या बोलते हैं, वास्तविकता में ये बात सत्य नहीं है, वो उनकी दैन्यता है, उनके बोलने का तरीका है। महाराज जी क्या बोलते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं, सब तो हमारे गुरुवर्गों का, उन हमारे आचार्यों का, उनका प्रसाद जो मुझे मिला उसी को मैं कीर्तन करता हूं, और देखने वाले को लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत बड़ा पंडित। जो हरिकथा पूज महाराज श्री के श्रीमुख से निकल रहा है उसको भी महाराज जी ने कभी माना नहीं है कि ये मेरा प्रेजेंटेशन है। ये बहुत बड़ी बात है, चार आदमी आके बोलेंगे कि आपकी क्या हरिकथा है, एक जो बदजी होता है उसको ऐसा लगता है कि जो वर्ड्स है उसकी ही क्रिएशन है। क्या था, क्या हो गया ऐसा, तो अपने आप को बहुत स्पेशल समझने लगता। मैंने महाराज जी के साथ रहते हुए ये देखा कि पूरा विश्व उनको स्पेशल देखता है, स्वयं महाराज जी अपने आप को कभी भी कोई विशेष देखा ही नहीं। मैं कुछ हूं ये वाली चीज उनके अंदर कभी देखा ही नहीं, ऐसा ये विशेषता ये सीखने को मिला उनके संग में रहकर। उनका केयर, उनका कंसर्न, मुझे तो कई सारी ऐसी चीजें हैं लेकिन ऐसा लगता है वो बोलने से ऐसा लगता है अपना डब्बा पीटने वाला, वो मैं इसलिए टच करता नहीं। लेकिन एक समय की बात है जब पूज महाराज श्री गोवर्धन में आश्रम में आए थे, कुछ ऐसा हो गया, कथा लंबा चल गया, कुछ तो हो गया, तो मैं मुंह टेढ़ा करके एक साइड में बैठा हुआ था, किसी को पता नहीं है, और मैं बोलता भी नहीं, प्रभु जी को थोड़ा बोल सकते थे, और नरोत्तम को क्या बोलेंगे या किसको क्या बोलेंगे, मैं एक साइड में चुपचाप बैठा। महाराज जी ने हरिकथा बोल दिया, माइक ऑफ करना भूल गए थे। महाराज जी ने अपने गले से हार निकालते हुए महाराज जी ने बोला, उसको बुलाओ, उसके प्यार के कारण ही तो हम यहाँ आया, वो माइक में मुझको सुनाई दिया। वो आज भी याद आने से हमारा रोंगटे खड़ा होता है कि जीवन में कोई था जो वास्तविकता में हमको प्यार किया करते थे, कोई थे जो हमें प्यार किया करते। इतनी बड़ी शब्द ऐसे महापुरुष के श्रीमुख से निकल जिसकी तो मुझे, मैं तो सपने में भी कल्पना नहीं करता। महाराज जी मुझको शुभानंद करके बुलाते थे, और हमारा नरोत्तम प्रभु का भी एक अभ्यास है, महाराज जी जिसको जो नाम से बुलाते हैं वो भी कभी कभी उसी नाम से बुलाता। मैं नरोत्तम प्रभु को बोलता था, मुझे तुम दामोदर महाराज बुलाया कर, गुरु जी ने वो नाम रखा। महाराज जी ने सुन लिया, महाराज बोलते हम तुमको ऐसे बुलाता है तो तुमको ठीक नहीं लगता होगा। महाराज नहीं सुन, मैंने महाराज को बोला कि नहीं, आप चाहे कुछ भी बुलाइए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपका शिष्य हूं। ये सब नरोत्तम को बोल रहा था इस तरीका से। और उसके बाद महाराज जी जो है कितने प्यार से महाराज ऐसे ऐसे शब्द बोल, सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं, सिर्फ हरिकथा की बात नहीं है, व्यवहार के अंदर उन्होंने इतना प्रेम दिया, टाइम टू टाइम इतना प्रेम दिया कि उनसे दूर जाने का हिम्मत नहीं होता था। किसी विशेष परिस्थिति से अगर जाना भी पड़ता था, कैसे बोले पता नहीं, लेकिन आत्मा कलपता था, ऐसा महाराज जी का व्यक्तित्व। और महाराज जी के जीवन में, महाराज जी के साथ कभी भी डिसअपॉइंटमेंट के लिए जगह नहीं होता, महाराज जी के साथ हर चीज एवर फ्रेश है। वो चाहे महाराज जी का नींद से उठने से लेकर के उनके शयन तक जाने पर, उनकी पूरी दिनचर्या के अंदर एवरी डे एवरीथिंग
वो सब एकदम फ्रेश, एवर फ्रेश। सब जानते हम लोग नींद से उठते हैं तो देखने में चेहरे बड़े अजीब से हो जाते हैं। महाराज जी चाहे ट्रेन में हो चाहे कमरे में हो, नींद से उठते हैं एक स्माइल के साथ उठते हैं, और उसके बाद उनके टीचिंग जैसे होते हैं। एक समय महाराज जी के साथ बेंगलुरु के अंदर अंधे बच्चों का स्कूल में गया था। आप ही क्या कर, एक अंधे बच्चों का स्कूल में गया था, सारे बच्चे अंधे हैं, ब्लाइंड स्कूल था, बच्चे हैं, और महाराज जी को वहां लेके गए ताकि महाराज उनको मोटिवेट करेंगे, आशीर्वाद देंगे करके। महाराज जी सीधा बोल रहे, आंख ही तो नहीं है तुम्हारे, तो बाकी सारे ज्ञानेंद्रियों को काम कर रहे हैं। ऐसे बोल के महाराज जी ने कथा शुरू किया, सब ऐसे देख रहे थे। महाराज जी इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ना कि कभी किसी को डिसअपॉइंट होने देते हैं जीवन के अंदर। ये एक अद्भुत चीज था, ये तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, भगवान कृपा कर दे। ऐसी चीजें मैंने बहुत ना की बराबर में देखा। जो भी अवस्था से व्यक्ति महाराज जी के पास जाता है, उनका लाइफ में केवल उसको मोटिवेट करने के अलावा और कोई भी चीज कभी देखने को नहीं मिला। पूरा चार्ज करके महाराज जी उन लोग बच्चों को वहां से महाराज वापस लौट के आए थे अपने स्थान पे। जो हो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। महाराज श्री मुझे और नरोत्तम प्रभु को जगन्नाथ मंदिर में लेके गए थे, एक एक जगह पे ले जाकर के दिखा दिखा करके सब बताया। याद है, क्यों नहीं याद होगा, मुझे नहीं होगा, तुमको तो होगा ही। एक एक जगह दिखाया महाराज जी, सिर्फ पीछे का जो वो कोयला वैकुंठ में वहां पे लेके लेंगे महाराज बोलते, और हम जा नहीं पाएगा, और फिर हम वापस आ गए। महाराज जी ने एक दिन कहा था, महाराज जी का मतलब एक दिन महाराज जी बोल रहे थे, मैं अभी बोल रहा था उनको पदना महाराज को भी, महाराज जी बैठे कुर्सी में बैठे हुए थे, मैं नीचे बैठा उनके, मेरे गोद में उनके चरण रख के वैसलीन से पांव में मसाज कर रहा था, शाम का टाइम है। महाराज जी क्या बोलते हैं, मैं बात करते करते उनके चरणों के पास अपना हाथ रखा, हमारा तो एकदम काला शरीर, महाराज जी का दूध के उफन जैसा गोरा शरीर है, इतना सुंदर ऐसा तेज। महाराज जी को पास में ऐसा रखा तो महाराज बोलते क्या देख रहा है, मैंने महाराज जी को बोला आपका श्रीअंग इतना अद्भुत है, मतलब बहुत ही सुंदर है। और फिर महाराज साथ साथ बोलते, महाराज बोलते शरीर सुंदर होने से क्या होगा, महाराज बोलते कि हमेशा मन का सुंदर होना ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी आपका तो, आपकी अवस्था जो है इस संसार का है नहीं, इसीलिए हम देख रहा है कि आपका तो सेवा करने के लिए भक्त लोग तत्पर रहते, लेकिन हमारा तो मन भी साफ नहीं, भजन भी नहीं, शुद्धता भी नहीं। मैं तो देख रहा हूं कि हमारा समय आएगा तब पता नहीं कैसे परिस्थिति होगा। एक जनरल हम दोनों जैसे बात कर रहे हैं उसमें मैंने कहा था, महाराज बहुत प्यार से कुर्सी से आगे आकर हमारा कंधे पे हाथ रख के बोला महाराज जी ने, चिंता नहीं करना, तेरे लिए कभी भी कमी नहीं होगा। मैंने तो उनसे मांगा नहीं आशीर्वाद, उन्होंने अपने आप ही दे दिया। क्या मन में आया भगवान जाने, वो खुद जाने। और मैं देखा, ये इसीलिए कह रहा हूं कि महापुरुष का जो वचन कभी भी स्खलित नहीं होता, एक शब्द भी अक्षर से अक्षर इधर से उधर नहीं होता। वो दिन और आज का दिन किसी भी चीज की जीवन में कमी बोल करके है ही, किसी भी चीज की कमी नहीं है। ऐसा जो और भी बोलेंगे वैष्णव लोग, एक एक याद आता है, कई नहीं आते हैं। हरिकथा भी आता है, मैं हरिकथा को टच इसलिए नहीं किया क्योंकि ये भी बोलेंगे और ग्रंथ में भी यह सब है, बट
व्यवहारिक जीवन के अंदर ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन पुणे में महाराज जी थे, पुणे में एक दिन महाराज श्री थे, और तब मेरा पुणे में भागवत कथा था, जो आयोजक थे वो लोग आए, मैं महाराज जी के पास लेके गया, महाराज जी को लोगों ने प्रणाम किया, महाराज जी को कार्ड दिया, इन्विटेशन, आशीर्वाद मांगा। पूज्य महाराज श्री उन लोगों के बीच में मुझे देख करके ऐसे बोला, आंखों में देख के, भागवत को जीवन बनाना, भागवत को जीविका नहीं बनाना। एक ही सेंटेंस है, कितना गहरा है आप लोग सब समझ सकते हैं इसकी। मां बोलते भागवत जीवन होना चाहिए, भागवत जीविका नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। वो जीविका में केवल पैसा ही नहीं आता, प्रतिष्ठा भी आता है, क्योंकि कई लोग प्रतिष्ठा से सर्वाइव करते हैं, उसको खाने को ना मिले, पैसा ना मिले, चल जाता ऐसा। तुलसा महाराज जी का एक शिक्षा था, एकदम रैंडमली महाराज बोल जाते थे, और टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसी सेंटेंसेस बोले, बात करते करते। अभी एक समय की बात, मैं और नरोत्तम प्रभु, क्योंकि हमारा पूरी मठ में सब समय प्रसाद पाना कठिन होता है, तो उनको जो है वो चना पोड़ वगैरह अच्छा लगता है, और मुझे भी जो है कभी कभी चेंज ऑफ टेस्ट चाहिए होता है। हम दोनों मिलकर मठ के बगल में मारवाड़ी वालों का जो था उसमें जाके खूब खा के आ गए। एक बार हुआ और इनके मुंह में कुछ छिपता नहीं है, ये सीधा जाके महाराज जी को बोल दिया। महाराज जी ने उस समय तो कुछ बोला नहीं। कुछ समय के बाद, महीना दो महीने के बाद फिर रिपीट हुआ, फिर जाके महाराज जी को बोल दिया। अब जब महाराज जी को बोल दिया, हम लोग चुपचाप प्रसाद पाने के टाइम में जब थाली महाराज जी के आगे रखा, महाराज जी क्या बोलते हैं, स्वाद नहीं आ रहा है। महाराज जी बोलते हैं हमको खाने को स्वाद नहीं आ रहा है, बोला अच्छा तो बना, और बोलते तक जब तुमको स्वाद नहीं आता है तुम बाहर तके खा के आ जाता, मैं कहां जाऊं, ऐसे महाराज बोलने लगे। बोलते हुए महाराज जी ने बोला, जीवहार लाल से जीव इति उति धाय, और इसके अंत शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। बहुत बड़ी बात है, राइट टाइम पे राइट जगह पे राइट स्ट्रोक है। श्री प्रभुपाद का आविर्भाव स्थान है, पूज्य महाराज श्री विराजमान है, जगन्नाथपुरी धाम है, और हम जो है वो जो प्रसाद का स्वाद के चक्कर में जाते हो होटल में खाए, बहुत बड़ी बात होता है। महाराज बता रहे हैं कृष्ण ऐसे नहीं मिलेंगे, कृष्ण कभी इस प्रकार से नहीं मिले जो हो। और महाराज जी का बहुत सारी चीजें, महाराज हमेशा सेवक को अपना अभिन्न अंग देखते थे। एक समय ऐसा कुछ हो गया, हमारा नरोत्तम प्रभु किसी के ऊपर गुस्सा हो गए तो, और होता ही, अब महाराज जी थके हुए हैं और जाके हम हैरेस करें तो नरोत्तम प्रभु गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला शट अप। तो फिर वो लोग महाराज जी के पास आए, लिटरली महाराज जी उन लोगों के बीच में, जबकि जरूरत नहीं है, महाराज बोलते हैं हम क्षमा चाहते हैं। हमने छूटते बोला कि महाराज आपको माफी मूफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए। फिर हम लोगों ने बाद में बात किया। कहने का मतलब है उनके सेवक के कारण भी अगर कोई ऑफेंड होता है वो भी महाराज जो है अपने पे लेते, इतना उनका सेवक को लेकर के है। हम तो सोते रहता था, कोई भी तिथि होता था, कहीं यात्रा से लौट के आता था, कुछ ना कुछ खाने के लिए भी रखवा देते, क्या जरूरत है उनको, जरूरत नहीं, लेकिन वो प्यार ही है सब, वो ममता ही है सब।
जहां पर जाके एक माता की ममता भी फीका पड़ जाए, ऐसा व्यक्तित्व कुछ महाराष्ट्र के अंदर कई बार देखने को मिला है। जो आज महाराज जी का आविर्भाव तिथि है, वो मुझ पर कृपा करें, क्योंकि अनजाने में नहीं, जाने में ही बहुत भूल हुए हैं, एकदम कॉन्शियसली बहुत सारे भूल हुए हैं सेवा में रहते रहते, जो कि अक्षम्य है। एक समय की बात है, हम लोगों ने गलत टिकट बुकिंग कर दिया था, वो 2011-12 का होगा, हम मतलब मैं नहीं हम मतलब ये नवीन प्रभु हमारे पुणे का हुआ ये है कि हमने बोला काल का शताब्दी में हमारा टिकट कर देना एग्जीक्यूटिव क्लास में। महाराज जी को चेयर कार में थोड़ा जगह कम पड़ता था, इसलिए एग्जीक्यूटिव में करते थे। हमने बोला काल का शताब्दी में कर दो, शाम का शताब्दी में करना था, वो सुबह वाले में कर दी। अब महाराज जी के साथ 20 लोग पहुंचे, और महाराज जी क्योंकि हमारी बेटी है तो हमारे पास सामान भी बहुत होता था, सारा सामान ट्रेन में चढ़ा दिया जी। और उसके बाद लोग भी पहुंचे, विदाई चल रहा है, महाराज जी को ट्रेन में भी चढ़ा दिया, बिठा भी। इतनी एम्बेरसिंग सिचुएशन है, जिसका सीट था वो आके बोलता है कि ये मेरा सीट है। हम बोल रहे भैया आपका कोई और डिब्बे में होगा, वो दिखा रहे कि देखो। फिर उसके बाद जब ट्रेन नंबर चेक किया तो पता चलता है हमारा तो ट्रेन सुबह ही निकल गया था। अब महाराज जी को ट्रेन से उतारो, सामान उतारो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आप हैरान हो कितनी एम्बेरसिंग सिचुएशन है। एक तो डर के कारण पांव जमीन के नीचे से पांव फिसलने लगा। लास्ट में फाइनल हुआ वही इनोवा में जिसमें हम लोग आए थे, उसी में चले जाएंगे। पूरा रास्ता सुन हो रखा है, कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, डर लग रहा है एक तो। लेकिन चंडीगढ़ पहुंचने के बाद, महाराज जी मठ में जाने के बाद, महाराज जी स्टडी करते हैं अच्छे से। महाराज कमरे में बुला के बोलते हैं, एकदम रिलैक्स होते हैं। सिर्फ आधे घंटे का फर्क हुआ बस, इतना लाइटली लेके बात को उन्होंने खत्म कर दी। नहीं तो इतने वृद्ध हैं, उनको गाड़ी में जाना चंडीगढ़ तक, कहाँ बाथरूम के लिए जाएंगे, कई सारी रीजन, बट हमें कष्ट ना हो इसलिए एकदम लाइटली लेके उस चीज को उन्होंने फिनिश कर दिया। ऐसा उनका एक स्नेह है। महाराज जी के कारण पहली बार रोटी बनाना सीखा मैंने जीवन, मुझे रोटी बनाना आता नहीं, महाराज जी के लिए बनाता था। ऐसा बहुत प्यार भरे समय भी गया। एक दिन नरोत्तम ने बहुत कुछ ज्यादा सब्जी दे दिया, महाराज जी बोलते हैं कमरे में था मैं, महाराज बोलते हैं पूरी में हमको खाने का इच्छा हो नहीं रहा है, हम ज्यादा खा नहीं पा रहे, सब्जी ज्यादा हो गया, वो देखेगा तो गुस्सा करेगा, कुछ कर सकता है? बोला क्या करूं, कुछ कर सकता है, खाली कर दे लीजिए अच्छा होगा। मैं रोटी का टुकड़ा उठाया, सब्जी उठाया, बट जब नरोत्तम रूम में आया देखा कि थाली तो खाली हो गया। तो इस तरीका से चलता था। एक और क्या चाहिए होता है, एक ब्रह्मचारी को और क्या चाहिए होता है, वो पल जो वो अपने गुरुदेव के साथ में बिता सके, उनकी शिक्षा ले सके और उनके साथ में चलकर अपने जीवन को भगवान की ओर ले जा सके। ऐसे बहुत सारे पल हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। आप सब आशीर्वाद करें, आप लोग सब महाराज जी के प्रति समर्पित हैं, श्रद्धायुक्त हैं। मैं तो साथ तो रहा लेकिन ले नहीं पाया, आप लोग बहुत कुछ लिया। कई कई दिन चंडीगढ़ में पार्क के अंदर शाम को नरोत्तम प्रभु रसोई में व्यस्त रहते थे, मैं कई बार अकेला भी महाराज जी के साथ पार्क में कई कई चक्कर काटा था। आखिरी बार जब महाराज अकेले गए थे उस दिन फोन भी लेके नहीं गया मैं, वो जो फोल्डिंग चेयर को इस कंधे में और महाराज जी को इस कंधे पे लेके वो थोड़ी थोड़ी दूर जा जा के जैसे भी लेके आए, इतना मतलब महाराज ने अपना सामिध्य दिया। महाराज जी के सुकोमल हाथ ऐसे कंधे के ऊपर आना,
वो तो कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना आशीर्वाद इतना प्रेम दिया, लेकिन पर्सनली मैं उसका लाभ ले नहीं पाया। जो लोगों ने दिया उन सबके चरणों में एक एक करके मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोग आशीर्वाद करें। जो उद्देश्य से भगवान ने कृपा किया वो मैं पूरा कर सार्थक कर सकूँ। वांछा कल्पतर कृपा महाराज जी का एक और चीज जो कि मुझे बहुत हृदय को स्पर्श करता है वो ये, कभी देखा नहीं मैं उनमें कि ये हमारा मटका नहीं, ये चीज कभी देखा नहीं। वैष्णव मात्र ही उनका परिवार है, ये बड़ी अद्भुत चीज है जो देखा और अनुभव भी किया सामने से। हर एक को वही प्यार वही स्नेह वही सब कुछ है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। एक दिन की बात है, महाराज जी बोल रहे थे, माफ कीजिएगा बहुत कुछ बोलने का उत्साह है लेकिन शब्द बाहर आता नहीं, एक ही लास्ट। महाराज जी एक दिन की बात है, कोई आके महाराज जी बोलते हैं विदेशी कि कृपा करके संपूर्ण जगत का शिक्षा गुरु होने का कृपा भी उन्होंने स्वयं किया है। इसमें जो जो लोग उनसे फायदा ले सके वो देख पाया कि वो लोगों का जीवन वास्तविकता में धन्य है। आज भी कहीं पे भी जाओ उनकी हरि कथा उनके बारे में स्मरण करने से हृदय को एक अलग तरह का सुकून एक शांति का अनुभव होने लगता है। काफी थकावट हुआ था कल, यहाँ तक आते आते थोड़ा हमारा कुछ गड़बड़, लेकिन पूज्य महाराष्ट्र के भजन कुटीर में जाके उस प्रणाम करने के बाद बहुत रिलीफ भी मिला। वो दिन मुझे स्मरण आ रहा था जब आखिरी बार महाराज श्री के श्री चरणों को स्पर्श करने का मौका मिला, इतनी वाइब्रेशन उस कमरे के अंदर महाराज छोड़ के गए जो यही पे मेरा भगवान को विश्राम। हरे कृष्ण। महाराज जी के बहुत सारे जो स्मरण उसको हमने श्रीपाद दामोदर महाराज जी से श्रवण किया, उसमें बहुत सारी बातें सुनते सुनते कितनी एक एक करके अलग अलग और बातें भी मन में आती थी, किंतु समय के अभाव के कारण अभी उन सब वस्तुओं में से किसी को भी स्पर्श नहीं करके जो उन्होंने जोर दिया जिस बात पे बहुत सारी बातें महाराज जी की बताते हुए एक शब्द दे दिया आचरण, किस प्रकार का उनका आचरण था। हमारे महाराज जी ने एक बार श्रीला गुरुदेव के गोपीनाथ भवन में गुरुदेव के पास आए थे, गुरुदेव का थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अस्वस्थ झीला कर रहे थे और महाराज जी उनके दर्शन के लिए आए थे और उनसे वार्तालाप करते करते महाराज जी ने कहा कि हमारे गुरुदेव कि महाराज आप अभी नहीं जाना जगत से, कारण कि ग्रंथ तो पहले भी बहुत सारे थे किंतु तब भी लोग सहजिया बनते थे और प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से आदर्श चरित्र स्थापित किया उस प्रकार के महापुरुष होने से ही तब फिर कोई ग्रंथ के भीतर में भी शुद्ध रूप में प्रवेश कर सकता। इसलिए आदर्शवान पुरुषों की महा भक्ति शुद्ध भक्ति की जो सारी आप कथा का प्रचार कर रहे हैं वो बड़े अच्छी तरह से होना चाहिए। इस प्रकार से
उसी बात को ही उन्होंने रिपीट किया था कि ग्रंथ थे, आवश्यकता है, अभी भी सब समय आवश्यक की भांति केवल मौखिक रूप में स्मरण करना तो हो जाएगा, बोलना भी हो जाएगा, किंतु लाभ कुछ नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग हमारे श्रीपाद श्रीपाद जीत कृष्ण प्रभु जी से महाराज जी ने जल्दी तो नहीं जाना, अभी हम लोग सर्वप्रथम हमारे श्रीपाद जीत प्रभु जी से कुछ कथा श्रवण करते हैं। ज्ञानतिमिरांजस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले गुरुपाद पद नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परिव्राज काचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानु गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ, विशेषकर नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरदशी श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हमारे मंच पे आसीन पूज्यपाद श्री भक्ति विद्वान श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी कृपा सिद्ध की प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद दामोदर महाराज जी, पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज जी और पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी, पूज्यपाद संजय प्रभु, समस्त ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णवी सज्जन वृंद सभी के चरणों में यथा योग्य दंडक प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत सौभाग्य है, सैन एकादशी पवित्र एकादशी के दिन महाराज जी की पदांकित भूमि महाराज जी की भजन स्थली और राधा माधव गौड़ी मठ में हम लोग बैठकर महाराज जी का ही आज सानिध्य को प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे महाराज जी का सानिध्य कैसे प्राप्त कर रहे हैं, महाराज जी तो हमारे पास बीच में नहीं है। तो महाराज जी स्वयं कहते थे कि उपवास का मतलब क्या होता है, उपवास का मतलब होता है उप और वास, वास माने वास करना, उप माने निकट। यदि हम हरि गुरु वैष्णव के महिमा का गान करेंगे, भगवान का भी कथा श्रवण करेंगे तो समझ लो भगवान के पास वास कर रहे। और विशेषकर महाराज जी कहते थे आज के दिन यदि किसी वैष्णव की महिमा का गान करते हैं और वो भी महाराज जी के जीवन चरित्र का स्मरण कर रहे हैं तो महाराज जी का ही हम शिक्षाओं के द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत और भगवान में तमादि देवम करुणा निधानम जैसे कोई अंतर नहीं, अभिन्न स्वरूप है। यदि हम रूप गोस्वामी की कथा सुन रहे हैं, रूप गोस्वामी ग्रंथों का हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो रूप गोस्वामी का हम सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे आज हम महाराज जी की कथाओं को उनकी बहुमूल्य शिक्षाओं को श्रवण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जितना हमारा अधिकार है हम महाराज जी का संग लाभ प्राप्त करेंगे। और महाराज जी का आप जिन लोगों ने दर्शन किया, जिन लोगों ने महाराज जी की कथा को श्रवण किया वो लोग जानते हैं महाराज जी रोज ऐसे बोलते आज एक विशेष तिथि है। जब भी मैं महाराज जी कथा सुनने के लिए आया जब भी महाराज जी ये बात बोलते आज एक विशेष तिथि है, आज हमारे गोपाल जी आश्रित इनका आज आविर्भाव है, किसी का तिरुभाव है। हमेशा हरि गुरु वैष्णव की चर्चा
कहीं पर भी रहे, किसी भी घर में रहे, महाराज जी को सारे गुरु वर्गों का आविर्भाव तिथि और त्रिभाव तिथि स्मरण था। तो अगर हम महाराज जी की कथा का श्रवण करेंगे तो सभी गुरु परंपरा के चरणों में पुष्पांजलि हो जाएगी। और महाराज जी हमेशा एक बात कहते थे, अपने गुरुदेव की स्मरण करते थे हमें बात की, मेरे गुरुदेव कहते थे मैं मठ में किस लिए आया हूँ, हमारे दो ही से गुरु और हरि, गुरु और वैष्णव, भगवान और विष्णु और वैष्णव, दो लोग हमारे सेव्य हैं। विष्णु की जो सेवा है हमें हर जगह सर्वत्र प्राप्त होगी, घर में विग्रह लाओ और उनकी सेवा अर्चन कर लो, उनका अभिषेक कर लो, उनको ड्रेस पहना लो, उनको भोग लगा दो, परंतु वैष्णव सर्वत्र नहीं मिलेंगे। इसलिए हम विशेषकर हम गौड़ी मठ में किस लिए आए हैं, वैष्णव का संग प्राप्त करने के लिए। यदि दोनों में से मेरे को एक को चुनना पड़े, विष्णु सेवा और वैष्णव सेवा, तो मैं वैष्णव सेवा को ही चुनूंगा और मैं पूरा जीवन भर वैष्णव सेवा ही करूंगा। उसके लिए यदि मुझे कोई ऋण भी लेना पड़े सेवा करने के लिए, तो मैं ऋण लूंगा और उस ऋण को चुकाने के लिए मुझे पुनर्जन्म लेना पड़े फिर मैं पुनर्जन्म लेकर वैष्णव सेवा करूंगा, और ऋण चुकाने के लिए फिर दोबारा आऊंगा तब ऋण लेके वैष्णव सेवा करूंगा, उनके गुरुदेव कहते थे। और महाराज जी के जीवन में, पूरे जीवन में ये शिक्षा, एक सूत्र है, बहुत सारे चरित्र है उनका, बड़ा सुंदर सुंदर, उनका गौड़ी मठ का बनाने में कितना परिश्रम, ग्रंथ प्रकाशन, वैष्णव की सेवा, गुरु सेवा, बहुत सारी अभी उनके चर्चा जो कथाएं हैं, शिक्षाएं जो हम लोग श्रवण करेंगे। पर एक शिक्षा के ऊपर मैं, क्योंकि समय कम है और मैं संग भी नहीं किया ज्यादा, धृष्टता भी नहीं करूंगा बोलने की, जो महाराज जी ने जीवन में उनके गुरुदेव ने बोला वैष्णव सेवा ही हमारा प्राण है, उन्होंने इसी को आधार बनाकर हमेशा, और महाराज जी कहते थे वैष्णव सेवा का सुयोग प्राप्त हो जाए उसे उसी क्षण करना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। यदि विलम्ब कर दिया फिर हमें मिले ना मिले, या वो वैष्णव सुयोग ना दे पाए, या वैष्णव जगत में नहीं रहे। महाराज जी उस समय थे, इतनी सेवा का सुयोग था, अभी हमें वो सेवा का सुयोग नहीं मिल रहा है। तो जिस समय जिस भी वैष्णव की सेवा की आवश्यकता हो, भगवान की सबसे बड़ी कृपा उसे माननी चाहिए, उसी समय उसे करना चाहिए। और सेवा की परिपाटी क्या है, महाराज जी अपनी कथाओं के द्वारा बताते थे, बहुत प्रकार की उनकी सेवा की शिक्षा है कि कहते हैं यदि इस हाथ से सेवा करी जाए तो इस हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए, महाराज जी का ऐसे विचार थे और ऐसे जीवन में उन्होंने अपनाया। उदाहरण क्या, महाराज जी स्वयं बताते थे जब वृंदावन में मूल चैतन्य गौड़ी मठ की स्थापना हुई वृंदावन में, तब उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी कि सभी मठवासी है, नवदीप में जितने भी मठ हमारे प्रभुपाद आश्रित जन है, उन सबको निमंत्रण दे गया हो। अभी आजकल निमंत्रण व्हाट्सएप पे दे देते हैं और फोन पे दे देते हैं आजकल, परंतु नियम होता है जो जितने श्रेष्ठ होते हैं उनके पास जाना पड़ता है, उनको प्रणाम करना पड़ता है, उनसे निवेदन करना पड़ता है आने के लिए। और जो आपसे बराबर है और आपसे छोटे हैं उनको आप फोन पे भी दे सकते हैं, परंतु जो आपसे गुरुजन है, बड़े हैं, उनको स्वयं, पहले फोन भी नहीं था, इतना सुविधा भी नहीं थी, महाराज जी स्वयं उनके लिए प्रसाद लेके और मिठाई लेकर टिकट कराकर नवदीप गई और समस्त जितने भी उस समय प्रभुपाद जी आश्रित जन थे सबका टिकट करा दिया। उस समय प्रभुपाद जी के आश्रित जन थे भक्ति विचार यार गोस्वामी महाराज जी, उस समय उन्होंने किसी कारण वो जाने को तैयार नहीं थे, फिर वो तैयार हो गए जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा हाँ टिकट मेरा है, परंतु उस समय एक टिकट कम था। तो महाराज जी बोले हाँ प्रभु, महाराज जी आपका टिकट है। महाराज जी ने अपना टिकट उनको देंगे, अगर अपना टिकट देंगे तो वैष्णव की मर्यादा है कि दूसरे के टिकट बैठेंगे, कष्ट देख नहीं सकते। तो जब ट्रेन में सब लोग बैठ गए तो महाराज जी बोले मेरी सीट कौन सी है, भक्ति विचार यावर गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद आश्रित जन। तो उन्होंने कहा अपनी सीट को देखो महाराज, यही सीट आपकी है। तो और महाराज जी की सीट नहीं, महाराज जी उस समय वहां बैठेंगे समझ जाएंगे तुम्हारी सीट कहाँ है। तो बोले तुम्हारी सीट कहाँ है, बोले मेरी सीट कहाँ, दूसरे डिब्बे में जाके महाराज जी बैठ गए, कोई सीट नहीं महाराज जी की। जब महाराज जी वृंदावन तक लेके आ गए सब लोगों को, तो उन्होंने पूछा, बाद में पता लगा महाराज जी को कि महाराज बिना सीट के आए हैं और अपनी सीट इन्होंने इनको दे दिया, क्योंकि वैष्णव बहुत सारे प्रसंग है, हमारे गुरुदेव के लिए रूम दिया तो पता भी नहीं लगा, अपना रूम खाली करके दे दिया ऐसे करके। मतलब वैष्णव कैसे सेवा करनी है,
किस परिपाटी से करनी है उनको पता भी न लगे, वो तो करने भी दें, तो कैसे महाराज जी के जीवन चरित्र में बड़ा सुंदर सुंदर आदर्श है। तब महाराज जी लेकर आए और महाराज जी ने उस समय सभी वैष्णव को अपने गुरुदेव की आज्ञा से सेवाएं की। और किसी भी आचार्य जिसे कहते हैं, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जिसके जीवन में चार गुण होंगे वही आचार्य कार्य कर सकता है। क्या है? प्रणादपि सुनिचे तरो रवि सहसुना हमानी ना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। भक्ति विनोद ठाकुर का एक आर्टिकल है, उसमें बोले जिसके अंदर चार गुण है वही आचार्य का काम कर सकता है, जिसके अंदर ये गुण नहीं है वो कभी भी आचार्य काम नहीं कर सकते, आचार्य के पद पे विराजमान नहीं हो सकते। महाराज जी के जीवन में ये देखेंगे, अभी जैसे महाराज जी हमारी कथा सुना रहे थे कैसे एक वैष्णव की अपने से बहुत शिष्य तुल्य है, उनकी पादुकाओं को अंदर रखने के लिए महाराज जी तत्पर है। और बहुत सारे प्रसंग है अभी हम लोग सुनेंगे कैसे महाराज जी के अंदर तृणादपि सुनिच किसी प्रकार का अभिमान नहीं। महाराज जी की आविर्भाव तिथि मनाई थी हमने 10-12 साल पहले, पूरी में मनाई थी, हम सब लोग थे, प्रभु जी के अनुग्रह मनाई। तो महाराज जी उस समय चेयर पे बैठे और सभी उनके गुरु भाई भी आए, बहुत सारे भक्त लोग आए, तो महाराज जी बड़ी दैन्यपूर्वक बड़े सुंदर शब्द बोले थे कि मैं आज मेरे जो जन्मदिन मनाने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं, मैं मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आप लोग आए हैं, मैं ऊपर बैठा हूँ और आप लोग नीचे बैठे हैं, ये कैसा आशीर्वाद हो जाएगा, किस प्रकार ऐसे ले सकते हैं। परंतु क्या है, करें कभी कभी ऐसा आता है सेवा के उद्देश्य से, सेवक मेरी ऐसी अवस्था है मैं अभी दूसरे के सहारे के बिना चल भी नहीं सकता, मेरे को एक बाथरूम में जाने के लिए भी सहारा चाहिए, इसलिए मैं किसी कारण बस चेयर पर बैठा हूँ। जैसे नंद बाबा है, नंद बाबा कन्हैया कृष्ण की कान ऐंठ के सेवा करते हैं, यशोदा मैया कन्हैया को डांट के सेवा करती हैं, गरुड़ जी सिंहासन पे भगवान से ऊपर बैठ के उनकी सेवा करते हैं। तो सेवा में, और महाराज जी उदाहरण भी देते थे, पहले जब परिक्रमा चलती थी तो गुरुजन आगे चलते थे और गुरु जी ने आदेश दिया राधा कृष्ण की मूर्ति है तुम आगे लेके चलो। तो गुरु वैष्णव की सेवा के लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उनके आदेश के लिए कार्य करना पड़ता है। तो मैं यहाँ ही से बैठा बैठा आप लोगों से आशीर्वाद लूंगा, आप लोग यहाँ ही से आशीर्वाद प्रदान करना। तो बड़े सुंदर उनकी क्या प्रणादपि सुनिचे की बड़े सुंदर उदाहरण है। और सहनशील की तो पता है कि महाराज जी में कितने सारे, किसी ने कुछ बर्ड कितने बर्ड बोले, महाराज जी कोई जवाब नहीं देते थे। और चोरी का भी आरोप लगा, बाद में पता लगा, बाद महाराज जी से बोले, महाराज जी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, बोले यदि हम कोई गलती करते हैं और कोई हमें डांटता है तो हम अधिकारी हैं, फिर क्या सहनशीलता हुई। आपने चोरी की है और आपको कोई चोर बोलना है तो फिर सहनशीलता कोई है। आपने चोरी भी नहीं की है और आपको कोई, जब आप कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करें जब, तो आप सहनशील बने गया। तो महाराज जी को पता लगा, महाराज जी एक शब्द भी नहीं बोले और फिर बाद में सबको पता लगा। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, 100 उदाहरण 1000 उदाहरण महाराज जी की सहनशीलता के। और अमानी न मान देन, महाराज जी किसी प्रकार के उनके अंदर, एक बार नित्य लीला भक्ति दयित महादेव गोस्वामी महाराज जी अंतिम समय लिखे गए थे, माया के तीन रूप है, माया के अनेक रूप है पर माया तीन रूप में प्रकाशित होती है अधिकांश रूप में, कनक कामनी प्रतिष्ठा वागनी, छाड़िया से जा रहे सही तो वैष्णव, ये माया के तीन प्रकार के विशेष रूप है। तो कनक धन की लालसा, कामनी स्त्री की लालसा और प्रतिष्ठा, अधिकांश लोग दो छोड़ सकते हैं, कनक कामनी छोड़ सकते हैं, प्रतिष्ठा ऐसी लालसा है जो कि बहुत ही दुर्लभ है, इसको छोड़ पाना बहुत ही कठिन है, कब कैसे प्रवेश कर जाती है कुछ भी पता नहीं, मंदिर में भी आसन पर बैठ के प्रवेश कर जाती है, हमको माला नहीं पहनाई, हमको माइक नहीं मिला, कहाँ से कैसे चली जाती है पता नहीं लगा। तो महाराज जी क्या है, ये जो महाराज जी के अंदर तीन चीज है, प्रतिष्ठा वागनी, जैसे आप जीवन चरित्र में देखोगे महाराज जी चेतन गौड़ में छोड़ी किसी कारण बस आए, और महाराज जी का उद्देश्य क्या था, सिर्फ हरी कथा ही परिवेशन करना। महाराज जी आए दिल्ली में रागले का दी थी घर, साउथ दिल्ली में रुके, उनके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं, प्रहलाद महाराज का प्रसंग करते रहे एक महीने तक, उनको पूरा जीवन जहाँ सेवा की है और वहां से छोड़ के भी आ गए हैं, परंतु
तो गुड़गांव भी आए और गुड़गांव में गए प्रभु जी के साथ, महाराज जी वहां पर आए, हमेशा हरिकथा फरीदाबाद में भी आए, हरिकथा श्रवण करना है उनका एक उद्देश्य क्या है, हरी कथा ही। और जैसे महाराज जी बताए थे, किसी से नहीं पूछते थे कौन किसके शिष्य कौन है क्या है। एक बार मैं गया था पंचकुला में, महाराज जी चैतन्य गौड़े मठ रुके थे, पंचकुला में कथा हो रही थी, तो उस समय मैंने कहा महाराज जी को प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज जी मैं आपका दर्शन करने के लिए आता था। कहते हाँ, अब माधव प्रभु के साथ आते थे ना, महाराज जी की इतनी तेज मन शक्ति थी, बहुत तेज मन शक्ति थी, बताया नहीं, परिचय दिया बस, नाम नहीं पता, बोले हाँ आते थे। इतना उनका एक एक हमेशा उनका पूरा जीवन क्या है, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में उनका पूरा जीवन गया। और ये जो प्रतिष्ठा के लिए मैं बता रहा था, एक कृपा जी ने कीर्तन लिखा, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव, इसमें क्या है 14 बार प्रतिष्ठा शब्द आया है, 13 बार आया है, उसमें एक ही शब्द आया वैष्णवी प्रतिष्ठा तातो करो निष्ठा। इसको मैंने कई ग्रंथों में ढूंढा, मेरे को मिला नहीं, बहुत जगह ढूंढा, वैष्णवी प्रतिष्ठा तातो करो निष्ठा। मैं जब पंचकुला में गया था, मेरे को महाराज जी का प्रश्न करने का समय मिला, मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी इसका क्या अर्थ है वैष्णवी प्रतिष्ठा तातो करो निष्ठा, समझ में नहीं आया मेरे, तो मैंने महाराज जी से श्रवण किया, बड़ा अद्भुत उनको उन्होंने अर्थ उसको बताया कि वैष्णवी प्रतिष्ठा क्या है। कोई गुरु वैष्णव यदि किसी का कोई आपको सम्मान करते हैं या कोई आपकी वैष्णव प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता, पर प्रतिष्ठा वैष्णव के पीछे भागती है। यदि कोई किसी गुरु वैष्णव की महिमा गान हो रही है, वो माया का विकार नहीं है, वो माया का नहीं है, परंतु यदि आप प्रतिष्ठा के आपके अंदर प्रतिष्ठा की लालसा है, तो वो माया का विकार है। सिर्फ सम्मान होने प्रतिष्ठा नहीं होगी, किसी वैष्णव की बड़ी महिमा है, जैसे हमारे गुरुदेव है, पूरे जगत में उनकी महिमा है, माधव माधवेंद्र कृपा उनकी, भगवान ने पूरे जगत में महिमा की, वो माया का विकार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी लालसा नहीं है प्रतिष्ठा की। परंतु फिर भी यदि उनकी नाम सम्मान महिमा बढ़ती है, तब ये गुरु वैष्णव भगवान प्रदान कर रहे हैं, गुरु प्रदान करते हैं, वैष्णव करते हैं, तब वो क्या है, तब वो प्रतिष्ठा भगवान प्रदत्त है, वो वैष्णवी प्रतिष्ठा है। दूसरा, जैसे तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनते, कहते हैं अरे हम माला नहीं लगाएंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी महिमा बढ़ती है, है ना, हमारे क्योंकि सम्मान क्यों है, दिखाने की चीज़ कोई है, चंदन लगाना, तिलक लगाना है, कंठी पहनना, यदि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि गुरु वैष्णव का आदेश है, हमें करना ही पड़ेगा, यदि नहीं करते हैं और यदि ऐसे करते हैं, इनको त्याग देते हैं, तब क्या होगा, तब हम अपराधी हो जाएंगे। तो जो गुरु वैष्णव कहते हैं वैसे ही हमें कार्य करना है। तो महाराज जी के और भी बहुत सुंदर, जैसे महाराज छोटी छोटी चीज बता रहे थे, एक एक चीज का ध्यान रखते थे। 14 सेक्टर में फरीदाबाद में हम लोग आए, महाराज जी ने अपनी प्रसादी माला आश्रम महाराज जी को दी, आश्रम महाराज जी को दी, उन्होंने माला को निकाल के मर्दन पे रख दिया, तो महाराज जी बोले हे प्रभु ये क्या करें, तो नित्यानंद का स्वरूप है, मर्दन क्या है, नित्यानंद का स्वरूप है, प्रसादी माला मर्दन के ऊपर रख दिया, उठाओ तुरंत, इतनी एज में कह रहे हमारा भक्ति में उद्धार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग सेवा अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, विशेषकर वैष्णव अपराध के प्रति सचेत नहीं है। पर महाराज जी के जीवन में देखा, इतनी आयु में भी एक एक चीज पे फोकस था। एक बार महाराज जी का आश्रम में बैठा रहे थे पंचकुला में, किसी बड़े सनातन धर्म मंदिर में प्रोग्राम था, तुलसी जो तुलसी का पौधा है वो महाराज जी से नीचे कर दिया, और महाराज जी थोड़ा ऊंचे आसन पर बैठे, तो महाराज जी के बैठ ही नहीं रहे, महाराज जी एकदम देख रहे थे, महाराज जी ऐसे एक एक चीज देखते हैं, ध्यान से ऐसे करते देखते हैं, एकदम एक एक चीज को देखते हैं, कहते प्रभु एक तुलसी को थोड़ा ऊपर उठाओ, तुलसी को ऊपर उठाया, एक बार नहीं कई बार प्रसंग हुआ तुलसी का, एक एक चीज देखेंगे कहाँ पर आसन है, कहाँ गुरुदेव का विग्रह है, गुरुदेव का बहुत उनसे नीचे नहीं होना चाहिए, एक एक चीज को जब सेवा अपराध के प्रति इतने अलर्ट है, तो वैष्णव अपराध के प्रति कितने अलर्ट होंगे महाराज जी। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में हमें भी कल्याण चाहते हैं, तो हम लोग भी, विशेषकर मैं भी महाराज जी के जन्म प्रार्थना करता हूँ, हम लोग भी ऐसे छोटे छोटे वैष्णव अपराध जो कि बहुत बड़े बन जाते हैं, और सेवा अपराध, नाम अपराध, वो भी हमसे अलर्ट रहें, और किसी तरह से भी थोड़ा भी कार्य करें, बस अपराध से बचकर करें। पंचकल्पत्र हरे कृष्णा।
अभी हम लोग हमारे श्रीपाद पद्मनाम महाराज जी से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को महाराज जी की कुछ महिमा को श्रवण कराएंगे। श्रीपाद भक्ति वेदांत पद्मनाम महाराज जी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरुपाद भक्तिवेदांशीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में अनंत कोटि कठोर वंदना करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्यलाल विष्णु विष्णु पाद शिष्य भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में अनंत कोटि करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपांश गुरुवर्गण पंचाशी पूजनीय भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, पूजनीय भक्ति केंद्र दामोदर महाराज जी, पूजनीय नाम माधव प्रिय प्रभु संजय प्रेमी प्रभु, आप सभी वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। आप लोगों जैसे भी मैं भी आज सुनने ही आया, मुझे लगता है थोड़ा बहुत मैं सफल हुआ इसमें। माधव प्रिय भूल से बहुत कुछ सुनने मिला, विशेष करके दामोदर महाराज जी से बहुत मधुर मधुर बातें सुनने को मिली। मैं जो प्रभु जी को निवेदन कर भी रहा था, हम तो फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा 10-5 मिनट वाले, तो महाराज जी ने संग किया, सेवा की। देखो सच्ची बात है, ये तो चलो सभा होती है, मर्यादा के लिए 5-5 मिनट देते हैं, तो हम भी तो सुनना चाहते हैं ये सब चीज़ें, तो सच्ची बात तो यही है। तो मैंने कहा भी था महाराज जी को, बोलो तो आओ, बोले आओ। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो जो पास में रहे हैं वास्तव में वही महिमा गान कर सकते हैं। नरोत्तम प्रभु भी हैं और संजय प्रभु भी हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। मैं बस महाराज जी के चरणों में यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो वैष्णवों की जो महिमा श्री महाराज जी ने गाया है धूम देखने का, और जो आचरण की बात जो प्रभु जी ने करी, बिल्कुल सटीक बात है, नहीं होता है और होते होते जीवन बीत जाता है। इसीलिए महाराज जी जैसे महापुरुषों की कृपा यदि होगी तो कुछ संभव नहीं तो संभव पर नहीं। और जो स्नेह की बात करी, जो प्रेम की बात करी, ये बिल्कुल वही, मतलब सारी बात समझ आता, बिल्कुल एकदम दिल को छू लेने वाली चीज है। तो इसीलिए कोई वैष्णव हो जो हमें कान पकड़ के जो है सही गलत का सिखाएं और स्नेह प्रीति सेवा का सुयोग दें, ये सब वही चीज़ है जो हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। बस आज स्थिति में महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है। तो महाराज जी ने बहुत शिक्षाएं दी हैं और साथ में कृपा भी किया, व्यक्तिगत रूप से भी कुछ बातें कही हैं जो कई बार नहीं होता है, कई बार होता है, तो वो कृपा करें कि हम उस चीज़ को पूरी तरीके से पालन कर सकें। जैसे इन्होंने कहा निस्वार्थ रूप से कोई देखा नहीं कौन है क्या है, बस कृपा कर दी। ये जो गुण है, अर्थात कृपा मतलब वो बाहरी वाला नहीं, भीतर जान के क्या दोष है उस दोष को निकाल के कह देना ये नहीं है ऐसा वाला, ये कृपा। नहीं तो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हाँ जी ठीक है जी ठीक है जी, ये भी ठीक है ये भी ठीक है सब ठीक है, तो फिर ये कृपा थोड़ी ना हुई। कृपा वो हुआ कि तुम गलत जा रहे हो, तुम ठीक जाओ, ये वास्तव कृपा। ये कहने वाला यदि महाराज जी जैसे कृपा करके हम लोगों को समझाएं बतलाएं, तभी जो है थोड़ी बहुत भक्ति संभव है। नहीं तो भक्ति के नाम पर तो बहुत कुछ चलिए बहुत प्रेम। भी हम लोगों ने एक तरफ से हम लोगों ने श्रीपाद दामोदर महाराज जी की जो बातें श्रवण की, और अभी पद्मनाभ महाराज जी ने भी उसी को स्पर्श किया कि कृपा उन्होंने स्वयं की,
बात सत्य भी है। एक प्रभु जी हैं पुणे में, नवीन प्रभु, मथुरा के रहने वाले, कि तो अभी वहीं पर रहते हैं। वो एक बार कह रहे थे कि हम लोग तो मठ के संपर्क में तो आ गए जिस किसी तरह से, किंतु हम लोगों ने किसी वैष्णव के साथ में ठीक से संबंध बनाना है, इसके लिए कोई भी भावना ही नहीं थी हृदय में, कभी कोई प्रयास नहीं किया। किंतु महाराज जी ने अपने आप से क्या किया, जैसे ही मिलना हुआ, सारी की सारी मित्रता को स्थापित करना, उसको आगे बढ़ाना और किसी को अपना लेना, वो अपने आप से उन्होंने किया। उनकी तरफ से सारा कुछ हुआ, बातचीत करना, बुलाना, फिर से कुछ पूछना, कुछ कह देना, जो सारा मित्रता का प्रारंभ वो पूरा उन्हीं की तरफ से, वही उनकी मैं कृपा मानता हूँ। किंतु उसके बाद में फिर वहाँ पर और एक प्रभु जी थे, वो कहते हैं कि जो ये नवीन प्रभु जी कह रहे हैं बात सत्य तो है, किंतु मैंने ऐसा भी देखा है कि एक स्तर तक आने के बाद में उस संबंध को महाराज जी बहुत ही रिजर्व है कुछ भी कहने में, आप भूल कर रहे हैं और वो आपको टोकेंगे, ऐसा होएगा नहीं आसानी से, आप कुछ पूछेंगे नहीं और वो अपने आप से आपको कहेंगे। महाराज जी कहते थे ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं, मेरे से पूछा ही नहीं, मैं उसका इस ऐसे कैसे उसको कुछ भी बोलने के लिए जाऊंगा, था मैं बोलता हूँ जितना सुन लेगा कोई, समझ लेगा तो अच्छा है। अपने आप से अगर फिर कोई पूछने के लिए आएगा तब उसको मैं विशेष रूप से बताऊंगा, और अगर नहीं पूछना चाहता तब फिर किस तरह से बताऊं। तो इसीलिए बहुत सारे स्थानों पर ही साथ में रहने वाले हों, अथवा मठवासी हों, अथवा कोई भी आने जाने वाले भक्त लोग हों, उनको ऐसे ही जो एक वार्तालाप करना, वैष्णवीय जो प्रीति, वो सब दिखलाने पर भी बहुत सारे स्थानों पर अपने आप को पूरी तरह से क्या कहते थे कि यदि ये व्यक्ति कोई ग्रहण करना चाहता, लेना चाहता, तब उसको अपने हृदय की बात बतलाऊंगा, वो तो पूछने ही आया नहीं तो उसको मैं किसी प्रकार से कहूँ। तो इसलिए कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से भी, एक होता है उनकी तरफ से कृपा का आ जाना, और उसके बाद में फिर क्या है आगे, उस कृपा को भली प्रकार से मैं धारण करने के लिए चेष्टा युक्त हूँ, अभिलाषी हूँ, उसको जब तक नहीं देखते तब वो पूर्ण कृपा जो है वास्तविक रूप में वो किस प्रकार से कर। अभी हम लोग हमारे श्रीपाद संजय प्रभु जी से कुछ कथा श्रवण करेंगे, फिर श्रीपाद श्रीधर महाराज जी हम लोगों को कथा सुनाएंगे। हरे कृष्ण गुरुवे गौरचंद्राय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय।